हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर वीडियो। आई एम अगेन कम बैक विद सब्जेक्ट हिंदी ग्रेड 6 एंड टुडेज आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 3, समझदार नहीं। ओके बच्चों, हिंदी में आज हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 3 और नाम है समझदार नहीं। तो ये लेसन में क्या है, तो आइए बच्चों एक बार हम देखते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो ये कहानी में कुछ ये बात प्रकट की गई है कि समाज में कई सारे लोग बुरे हमें मिलते हैं, लेकिन वो बुरे लोगों की वजह से हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये एक कहानी लेखन है बच्चों। ये कहानी लेखन यानी ये पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे कि शंकर सुल्तानपुरी कि जिन्होंने ये पूरी कहानी लिखी है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बच्चों, यहाँ पे नन्ही और बिच्छू ये दो कैरेक्टर्स है। ये दो कैरेक्टर के माध्यम से हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ने की बात समझाई गई है। नन्ही यानी बतख, ओके बच्चों, और बिच्छू यानी जो बिच्छू आता है ना, यस उसकी बात की है। तो नन्ही बतख तट पर आई, तट मतलब किनारा। नन्ही बतख तट पर आई, किनारे पे आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। दलदल मींस कीचड़, ओके, कि जिसमें गहराई में उतरते ही जाओ, तो वो दलदल में फंस गया था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने हेल्प मांगी, किससे, नन्ही बतख से, प्रार्थना की यानी रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, उसने बिच्छू को बचाया और सूखे स्थान पे रख दिया, मतलब जो सूखा हो वहां पे उसे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, बिच्छू को अपनी शैतानी सूझी कि चलो भाई कुछ बुरा करते हैं। उसने नन्ही को डंक मार लिया, डंक लिया बच्चों। नन्ही ने उसकी जान बचाई, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बड़े ही दुख से पूछा, उसको बहुत पेन हुआ जब बिच्छू ने उसको डंक लिया, तब उसे बड़ा ही पेन हुआ। फिर भी वो बोली कि क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, मैंने तुम्हारी हेल्प की फिर भी। तो वो बड़ा ही लापरवाही से बोला, मतलब अनकेयरलेस से बोला कि भाई मेरा तो स्वभाव है डंक मारना, और मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ू। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। अपनी ये बुरी आदत छोड़ दो, वरना कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। हम किसी की हेल्प करते हो और कोई हमें ऐसा करे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो क्या दूसरी बार नेक्स्ट टाइम क्या हम उसकी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? बिच्छू तो उसकी बात सुनी अनसुनी करके चला गया, लेकिन नन्ही घर फिर अपनी माँ के पास पानी में चली गई। तो नन्ही की मम्मा थी, नन्ही की मम्मा ने उसे पूछा कि नन्ही बेटी कहाँ रह गई थी तुम? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, तो उसे बचाने में
देर हो गई। वो बिच्छू दलदल में फंस गया था, इसीलिए उसको निकालने में उसकी हेल्प करने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, सबकी हेल्प तो अच्छे से करनी चाहिए, नन्ही की माँ ने नन्ही से कहा। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने बोला कि मैंने तो उसकी हेल्प की, लेकिन रिटर्न में बाद में बिच्छू ने उसे डंक मार लिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ ने उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। नन्ही की माँ ने कहा कि वो अपनी आदत का गुलाम है, मतलब अपनी आदत का कायर हो जाना, कभी अपनी आदत छोड़ना ही नहीं, ऐसा कि वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, कितनी भी बार हेल्प करो, लेकिन वो बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा, वो अपनी गंदी आदत कभी नहीं छोड़ेगा। तो नन्ही भी बोली कि माँ मैं अब उसे ये उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः संकट मतलब फिर से संकट में पड़ गए, अगेन ओके। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा, मतलब इस बार पानी की धार तेज होती है ना, यस पानी बह रहा होता है वो, तो बिच्छू तो भी इतना सा होता है और पानी की लहर तो कितनी ज्यादा बहाव से होती है, तो वहां फंस गया था बिच्छू। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई, वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, वह झटपट बिच्छू के पास पहुंची। ओके, बिच्छू को भी भाई नन्ही की याद आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम नन्ही ने ही उसकी हेल्प की थी, इस बार अपनी मौत को सामने देखते हुए बिच्छू को नन्ही की याद आ गई और वो नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने बिच्छू की पुकार सुन ली और वो भी झटपट से बिच्छू के पास गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, सहसा ही मतलब एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसने बोला कि ये कितनी बुरी आदतें वाला है, ये गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को तो अब मैं बचाऊंगी ही नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, वो वापस से ऐसे रिक्वेस्ट करने लगा अपने दयालु फेस के साथ, है ना, वो अपने ऐसे इनोसेंट फेस के साथ वापस से रिक्वेस्ट करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। बिच्छू वापस से गिड़गिड़ाने लगा और नन्ही को बोलने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। तो नन्ही को बिचारी को ऐसा लगा कि हो सकता है शायद बिच्छू का हृदय परिवर्तन हो गया हो, उसने अपना गंदा स्वभाव छोड़ दिया हो, चल एक बार फिर से मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने उसकी हेल्प की, फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार बिच्छू डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक हो गए, डंक मारो। मतलब बोले कि बिच्छू भाई अब ठीक हो गए, मैंने तुम्हें बचा लिया, चलो फिर से अब मुझे डंक मारो। टॉन्ट में बोला उसे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? मतलब वो शर्म के माने पानी पानी हो गया, उसको पता था कि इसने मेरी जान बचाई, फिर भी उसे डंक मारने गया था, लेकिन नन्ही को पता चल गया कि ये मुझे डंक मारने आ रहा है, तो नन्ही ने उसे टोका, इसीलिए वो इतना शर्म से पानी पानी हो गया और बोला कि बहन मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें इतनी बार सताता हूँ, इतनी बार मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, उसके बावजूद भी तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इतनी भलाई क्यों करती हो? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? भाई भलाई मेरा स्वभाव है, जैसे बुराई करना तुम्हारा स्वभाव है, वैसे ही भलाई अच्छाई करना मेरा स्वभाव है, और तुम्हारे लिए तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपना ये अच्छा स्वभाव, अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ू?
मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। मेरा काम है सबको बचाना, जो मुसीबत में पड़ता है उसे बाहर निकालना। तो मेरा काम है अच्छा ही करना और तुम्हारा काम है बुराई करना यानी डंक मारना। तो तुम मारते रहो और मैं अच्छा ही करती रहूं, देखते ही कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गए, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। कि नन्ही तुम जीत गए नन्ही बहन और मैं हार गया, आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ कि किसी भी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? आज फिर माँ ने पूछा, नन्ही घर गई तो माँ ने एक बार फिर से पूछा कि नन्ही कहाँ देर हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। ओके बच्चों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? नन्ही की माँ ने फिर नन्ही को कहा कि अच्छे भले लोग ऑलवेज ऐसे अच्छा करते, लोग बुरे लोगों को सुधारते हैं। ओके बच्चों, समाज में फिर रास्ते में कई जगह पे हमें बुरे लोग मिलेंगे कि हमारी अच्छाई करने के बावजूद भी हमारे साथ बुरा करेंगे, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक मामूली से बदले के लिए हमें अपनी अच्छाई, अपनी अच्छी आदतें, अपना अच्छा स्वभाव ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू।